गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग। हम लोग जा रहे हैं अभी लंच, सॉरी ब्रेकफास्ट करने। ये देखो गाइस, आप देखो और उसको सेटअप दिखा। ये पूल के पास हमारी हल्दी सेरेमनी होने वाली है और ये थोड़ा बहुत सज रहा है। मम्मी ये क्या बन रहा है सामने, पता नहीं। अच्छा, हम लोगों का बैठने का वो बन रहा होगा। इतनी दूर क्यों बन रहा है? अब उनसे पूछो यहाँ क्यों बना रहे हैं। यहीं पे हल्दी लगाएंगे यहाँ के लोग, फिर वहाँ एंजॉय करेंगे। हाँ सही है। ये दिस इज सो प्रिटी। लोल हम लोग देखने जा रहे, ब्रेकफास्ट लगा भी है, नहीं लगा होगा तो चौपसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो लगा हुआ है। काम कराओगी अपनी बहू से? कितना सारा काम कराओगी? सारे कपड़े आयरन कर देंगे। हिमांशी, यू आर सेटिंग बहू गोल्स राइट नाउ। नहीं, हिमांशी हैज ऑल टेक्निकल पॉइंट्स। हाँ हाँ, उसको टेक्निकल पॉइंट्स पता है कि कैसे पैकिंग में भी डालने हैं कपड़े। नहीं आ रहे तो बताएगी ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसको सारे टेक्निकल पॉइंट्स राइट। हेल्प कर रही हूँ मम्मी और ऋषि, तो मेरे से कोई हेल्प लेते ही नहीं है। मम्मी और ऋषि खुद ही इतने, तुम बता देती हो इजीली इसलिए। नहीं एक्चुअली टेक्निकल पॉइंट्स इसको बहुत पता है, तो वी गो फॉर दिस। यस, इससे इससे छोटी छोटी चीजें पूछते जा रहे हैं, हमारी भी कुछ तारीफ हो जाए। पर कोई जो लाइफ में कुछ ऐसा होता है, शी कम्स टू मी। हाँ ये तो है, सही बात है। तो अभी सब रेडी हो जाते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट मैं जोकर हूँ, जोकर गाइस। फॉर पार्टीज, यस, एंजॉयमेंट के लिए। ऋषि और चीना को पार्टीज के लिए बस, एंजॉयमेंट। सो गाइस, आई एम गेटिंग रेडी फॉर द मेन इवेंट। थोड़ा मैं आज फिर लेट हो गया हूँ, बट कोई बात नहीं। आज भैया हमारे साथ हैं। भैया हेलो बोलो हमारी जनता को। हेलो भैया, ये मेरा पूरा काम देखेंगे, मेरे हेयर स्टाइलिस्ट हैं और मेरा बचपन से देखते आ रहे हैं। भैया कितना टाइम मेरे साथ आपको? 6 years फ्रॉम 6 years, इनको 6 साल हो चुके हैं और ये तब से ही मेरे बाल काटते आ रहे हैं। सो अब रेडी होना है, वहाँ ब्राइड रेडी हो रही है, यहाँ ग्रूम रेडी हो रहा है। सो मिलते हैं हम लोग आपको थोड़ी देर में रेडी होके, वो दे देंगे अभी। सो गाइज, आई एम ऑल सेट टू रीच द लोकेशन, बट क्या हो गया है, बारिश हो गई है और फंस गए हम लोग मेन इवेंट में। जस्ट जैसे इवेंट वॉज अबाउट टू स्टार्ट, सब रेडी था, सब कुछ गेस्ट आ गए थे, हम लोग कैंसिल कर रहे थे, तो यहाँ देखो बारिश हो गई गाइज। हमारा एक रात का इवेंट भी वहाँ होने वाला है इस एरिया में, वहाँ भी डेकोरेशन चालू हो गया था कि लोग सेटअप कर लेंगे, बट बारिश हो गई। अब देखो क्या होता है अभी का, तो इट्स लाइक वी आर शिफ्टिंग टू बैकवर्ड। बाकी रात का तो मुझे लगता है कि बाहर नहीं हो पाएगा, फिर भी लेट्स सी क्या होता है। बट आई एम लाइक, होता है यार, इट्स लाइक हमारे हाथ में नहीं है, इट्स इन गॉड्स हैंड्स, सो इट्स ओके। इन्जॉय करेंगे, बैकवर्ड इन्जॉय करेंगे। सी द व्यू, उस जगह पर हमारा पूरा इवेंट है रात का, देखते वहाँ हो पता नहीं हो पाता। गाइस दिस इज व्हाट हैपेंस, हल्दी एंड बारिश बहुत तेज पड़ी है। वहाँ पूरा हल्दी का सेटअप हो चुका है, मैं आपको दिखा नहीं पा रही बिकॉज बहुत तेज बारिश हो रही है। मम्मी कितनी कढ़ाइयाँ चाटी है आपने, सब मम्मी की वजह से हो रहा है। मैंने नहीं, आपकी आपने चाटी, आपकी शादी में हुई नहीं, नहीं, प्रतीक ने चाटी होंगी। हाँ प्रतीक का ही काम है ये। वही, ये तो गलत हो गया, बट देखो तो इतना अच्छा सेटअप हुआ था गाइस। बहुत तेज बारिश हो गई, यहाँ से वहाँ तक चलेंगे भी कैसे। हाँ आप देखो जुगाड़। टाइम टाइम पे चालू हो गई है। अब हारे के अंदर अंदर कहाँ है? मैंने बोला था तुम्हें, मैंने बोला था ये चीज स्टार्टिंग भी बोली थी। मैं ही गेस्ट हूँ ना, मैं ही आ जाता पहले 1 बजे रेडी होके। अच्छा मेरी पिक्चर यहाँ क्लिक कर दो, थोड़ा थोड़ा गीला हो जाएगा नीचे पूरा। आप इधर आओ, इस पे कर दो ना, इस पे मैं बता रहा हूँ। हाय गाइस, बारिश में कैसा लग रहा है? बारिश में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। लो हल्दी तो रोक दी तुम लोगों ने, फिर जाना है हम लोग को। यस एंट्री, यस
इधर ये फैमिली नो जोश फ्रेंड सी फैमिली जीरो वेयर्स द जोश हम लोग इवेंट मैनेज कर रहे थे उसमें हमें थोड़ा बिजी बकवास मत करो बड़ा इवेंट मैनेजमेंट कराया है आपने नहीं कराया अभी कराया आफ्टर बारिश कराया है
भी हमारी हल्दी सेरेमनी का लगा हुआ था बट यहाँ पे हो नहीं पाया, बट वी इंजॉयड अ लॉट इसके बावजूद। हेल्थ प्रूफ की कितना भी शोरशा कर लो, भगवान के आगे कुछ नहीं होता। जितनी भी मस्ती होनी है अपने अंदर होनी है, बट गुड डेकोरेशन, लव इट। और अभी मुझे जल्दी से रेडी होना है, हम हल्दी व्लॉग आपको देख चुके होंगे, ये वाला कॉकटेल व्लॉग अब जाएगा थोड़े टाइम बाद, बिकॉज मैं बिजी हो जाऊंगी तो आई वोंट बी एबल टू एडिट द कॉकटेल व्लॉग। सो गाइज आई सी यू आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर 2-3 days न्यू व्लॉग आएगा। So don't forget to like, share and subscribe my channel and I'll keep coming with most such kind of videos and please subscribe करते रहना cocktail और शादी का जो भी होगा, I'll update you guys। If you want to see or catch up आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हो। So bye people, thank you for loving and supporting my all the videos। So guys, Nishi wants कि मैं ऐसे जाऊंगी। हो गई, अब ये वाली तो एंड हो चुकी, मुझे मालूम ही नहीं क्योंकि मैं अलग रह रहा हूँ, ये अलग रह रही है। मेरी शादी अभी हुई नहीं है ना, शादी होने वाली है अभी हमारी, उसके बाद साथ में रहेंगे हम लोग। तो आप ऐसे चलेंगे ना? मैं ऐसे चलूंगी। चलो इसी में डांस करेंगे, इसमें मुझे इजी होगा उठाना। अच्छा जल्दी से चेंज करो फिर हम लोग। बाय बाय।